हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे OnePlus 8T के बारे में। तो इसके कुछ नए और कंफर्म लीक्स हमारे सामने आ चुका है। जैसे इस बार OnePlus 8T के अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लेंस देखने को मिल जाएगा। यानी कि आपको जैसे पता होगा, हाल ही में जो OnePlus 8 सीरीज इंडिया में लॉन्च हुआ है, जैसे OnePlus 8 और 8 Pro, इन दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लेंस देखने को मिल जाता है। लेकिन इस बार OnePlus 8T के अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लेंस देखने को मिल जाएगा। और मुझे जहां तक लगता है कि OnePlus सही गेम खेल रहा है, क्योंकि अगर दोनों स्मार्टफोन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहा तो लोग उस फोन को क्यों खरीदेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोनों फोन में, यानी कि 8 Pro और 8T के अंदर दो अलग अलग कैमरा स्पेक्स देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली कुछ डिफरेंट आपको मिल रहा है, तो लोग इसी की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट होंगे। और बात करें इसके डिस्प्ले की, तो OnePlus 8T के अंदर आपको थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन साइज देखने को मिल जाएगा 8 Pro के मुकाबले, और साथ में यहां पर आपको क्वाड HD प्लस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। यानी कि इसका जो रेजोल्यूशन होने वाला है बहुत ही ज्यादा शार्प होगा और बहुत ही अच्छा और क्रिस्टल क्लियर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहां पर आपको फ्लूइड एमोलेड या फिर ओलेड का पैनल देखने को मिल जाएगा OnePlus 8T के अंदर। और जिस तरह से आपको OnePlus 8 Pro में कर्व डिस्प्ले देखने को मिला था, ठीक उसी तरह से इस बार भी OnePlus 8T के अंदर कर्व डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। और उसी के साथ यहां पर आपको 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। और यहां तक कि यह कहा जा रहा है कि OnePlus 8 सीरीज में, यानी कि OnePlus 8T के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जो पहले आपको OnePlus के डिवाइसेस में देखने को नहीं मिलता था। और अब हम बात करेंगे इसके प्रोसेसर के बारे में। तो कुछ चीजें ऐसे हैं जो हम सभी को समझना चाहिए। जैसे पिछले बार आपको OnePlus 7T के अंदर Snapdragon 855 Plus का प्रोसेसर देखने को मिला था, और उससे पहले जब OnePlus 7 Pro लॉन्च हुआ था तो उसके अंदर आपको Snapdragon 855 का प्रोसेसर मिला था। और अभी जब OnePlus 8T लॉन्च हो रहा है तो हमें ऐसा लगता है कि इसके अंदर आपको Snapdragon 865 Plus वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। लेकिन हाल ही में जो Geekbench स्कोर लीक हुआ है, इसे देख के हमें ऐसा लगता है कि OnePlus 8T के अंदर आपको Snapdragon 865 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, ना कि Snapdragon 865 Plus। तो ये तो अभी तक कंफर्म नहीं है कि इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ यहां पर आपको 8GB का RAM सपोर्ट मिलेगा, Android 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, जो एकदम लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये थे OnePlus 8T के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो कुछ ही दिनों पहले लीक हुआ है। और अब हम बात करेंगे इसके लॉन्च डेट के बारे में। तो अभी तक ये चीज क्लियर नहीं है कि ये फोन आपको एग्जैक्टली किस डेट में देखने को मिलेगा, लेकिन इतना तो हम बता सकते हैं कि ये जो स्मार्टफोन है आपको सितंबर के महीने में डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं कि ये फोन कितना जल्दी लॉन्च होता है और इसका प्राइस इंडिया में कितना रहता है, ये तो हम आपको आगे चल के बता देंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही था।